हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है अपने ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14.5 इंच। 13.5 इंच मुझे लेंथ तैयार रखनी है इस ब्लाउज़ की, तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है 14.5 इंच पर। ऊपर से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो पैटर्न है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर 34 साइज़ के लिए हमें डीप नेक में शोल्डर रखने हैं 5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। यहाँ से भी 5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर 5.5 इंच पर आर्म होल लेंगे। आप इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 34 साइज़ का 8.5 इंच और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं ब्लाउज़ में। और 1/2 इंच, देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करना होता है। ये भी हमें डीप नेक, अगर पीछे का गला बड़ा हो तो ही आपको करना है। यहाँ पर बाहर वाली लाइन से ही हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे, 28 इंच कमर है उसका 4th पार्ट होगा, 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट में जो हम प्लेट्स डालते हैं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है इसकी बैक पार्ट की और अब हम इसे इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग मैंने कर ली है, अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक विड्थ तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 2 इंच। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप गले की चौड़ाई को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। नेक की लेंथ रही है 10.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच। अगर आप नीचे से भी ब्रॉड पहनते हैं तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से हमें पंचकोणी शेप को ड्रॉ करना है। हल्के हल्के हाथों से आप ये वाला शेप को ड्रॉ कर लें इस तरीके से और शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे कट कर देना है। ये देखिए पैटर्न को हमने कट कर लिया है और अब लेना है हमें पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप बिना पेपर पेस्टिंग के सिलाई लगाकर और गले को पलट सकते हैं। तो अच्छी फिनिशिंग के लिए आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करें अपने गले में। तो यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग के जो बंद भाग है वहाँ से आपको इसे इस तरीके से रख लेना है और एक पिन लगा देनी है। और जैसा हमने गला कटा कट किया है यहाँ पर वैसे ही आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है इसे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले ले रहा है पेपर पेस्टिंग पर इस तरीके से। और पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर रखकर हम इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। पैटर्न को मैंने साइड में रख लिया है और अभी हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इसे। साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रीज बिल्कुल भी ना आए और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये पार्ट हमारा अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया है और अब हमने इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। सारा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और अब हम गले को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें गले को इस तरीके से पहले सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और फिर इसका जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हम कट करके निकाल देंगे।
इस तरीके से आपको कट लगा देने होते हैं यहाँ पर। इससे हमारा जो कपड़ा है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा साइड से, इस तरीके से। कपड़े को अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है और अब हम ब्लाउज़ के पैटर्न को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पर आप इसे सेट कर लें, पिन ज़रूर लगा लें यहाँ पर इस तरीके से। बराबर से करते हुए पिन अटैच कर देनी है। पिन अटैच करने के बाद यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। नेक का जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है यहाँ पर, इस तरीके से। सिलाई मैंने लगा दी है और पिन निकालने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और पूरे ही गले पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये कट लगाने से गला अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है, तो पूरे ही गले के पैटर्न पर आपको इस तरीके से कट लगा लेने हैं। अब हमें क्या करना है, गले को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हम गला पट्टी पे लगा लेंगे कॉर्नर की, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है गले के ऊपर। अब हमें गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से ये गला बन गया है और अब हम ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप एक पैर का मार्जिन या कॉर्नर की किसी भी आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर दिया है और साइड में हमें प्लेट्स डाल देनी है। तो दोनों ही तरफ हम प्लेट्स लगा लेंगे। कपड़े को आपको सेंटर से फोल्ड करना है बैक पार्ट को, और 4 इंच या 4.5 इंच की लेंथ में आप प्लेट्स यहाँ पर ले सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए मैंने कमर पट्टी भी अटैच कर दी है और अब हमें फ्रिल रेडी करनी है इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये जो पट्टी मैंने ली है यहाँ पर, सिर्फ मैं नीचे की तरफ ही फ्रिल लगाऊंगी। अगर आपको गले में ऊपर की तरफ भी लगानी है तो टोटल आप 3 मीटर पट्टी लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 मीटर ली है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं। इसे आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई आप लगाएं, इसके अंदर कोई भी सेल नहीं आना चाहिए। तो सिलाई लगाने के बाद इसका साइड का जो फैब्रिक था एक्स्ट्रा, वो मैंने सिलाई के पास तक कट कर दिया है और अब इस पट्टी को हमें पलट करके सीधा करना है। तो अगर आप पूरे नेक पे लगाना चाहते हैं तो कम से कम आप 3 मीटर की पट्टी तैयार कीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पर 2 मीटर लिया है पट्टी को, और क्योंकि मैं नीचे की तरफ ही फ्रिल लगाऊंगी, पट्टी को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको प्रेस लगानी है फिनिशिंग के लिए। तो इस पट्टी का जो जॉइंट है आप देख सकते हैं, ये जॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, तो इसे बिल्कुल सेंटर में करके मैंने इस पर प्रेस लगा दी है। अब हम इसमें फ्रिल डाल देंगे। तो जैसे हम बॉक्स प्लेट्स डालते हैं, एक प्लेट्स का मुंह मशीन की तरफ रहेगा और एक प्लेट्स का मुंह आप अपनी तरफ रखिएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें पूरी ही पट्टी पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ फ्रिल डालकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पूरी ही पट्टी पर हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा और ये फैब्रिक आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इस फैब्रिक की साड़ियाँ भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आप इस फैब्रिक की साड़ी लेते हैं तो इस तरीके से सिंपल सोबर आप नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। इस फैब्रिक का जो नाम है वो ऑर्गेन्जा है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रिल को रेडी कर लिया है, अब नीचे की तरफ हम इसे लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें लगाना है, सिर्फ नीचे का जो शेप मैंने दिया है मैं वहीं पर फ्रिल लगा रही हूँ। आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, वो भी लुक बहुत अच्छा आएगा। तो जो नेक का शेप है वो शेप हमारा बनाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर देंगे। सिलाई बिल्कुल आपको सेंटर में ही चलानी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फ्रिल को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रिल हमारी अटैच हो गई है नेक के ऊपर, आप डोरी भी लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ मैं लटकन बनाऊँगी तो बची हुई फ्रिल को हम खोल लेंगे इस तरीके से। सिलाई को मैंने खोल दिया है और थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर फट गया था उसे भी मैंने कट कर दिया है। सुई धागे से आपको यहाँ पर टक कर लेना है इसे, इस तरीके से आप इसे खींचते जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और फिर आपको जो दूसरा वाला धागा है यहाँ पर वो निकालते हुए इसमें आपको देखिए यहाँ पर नॉट लगा देनी है।
अच्छे से आप इसे टक कर दें, पक्का कर दें ताकि खुले ना। इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पर देखिए, बची हुई फ्रिल से ही हमने यहाँ पर फ्लावर तैयार कर लिया है। इस फ्लावर को हम बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे और ये लटकन भी मैंने तैयार की है, तो इस लटकन को इसके नीचे हम लगा लेते हैं और इसके बीच में एक छोटा सा मोती अटैच कर देते हैं, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो अलग से मैंने कुछ भी नहीं लगाया है यहाँ पर, सिर्फ ये जो फैब्रिक है इसी से हमने फ्लावर भी बना दिया, कोई भी लेस का यूज़ मैंने नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो अपने ब्लाउज़ के या साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन में लेस लगा सकते हैं, मैंने इसे सिंपल ही लुक दिया है। तो ये पैटर्न हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।